Tie suspends a steel disc in a vertical plane by means of a thread. ऐसे लटका लिया अपने डिस्क को. Then he shoots bullet on the disc by a toy gun. If the mass of each bullet is 2 gram, ठीक है, m is equal to 2 gram. And the bullet strikes the disc with a velocity of 11 meter per second and is returning with the same velocity, then what average force is being exerted on the disc? The child is firing 3 bullets per second. ये important है. तो bullets per second को हम m by delta t लिख सकते हैं. कितना mass एक second में जा रहा है? एक bullet का mass 2 gram है. तीन बुलेट्स का मास 2 ग्राम इनटू 3 होगा, यानी 6 ग्राम होगा. टाइम कितना है? टाइम है 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इस पे 6 ग्राम की टक्कर हो रही है, एक तरीके से, है ना. 6 ग्राम पर सेकंड मास इज बीइंग बम्बार्डेड ऑन दिस. तो इसे अब हम केजी में कर देंगे. m by डेल्टा t इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 1000 केजी पर सेकेंड, है ना. 6 ग्राम को किलोग्राम में किया तो डिवाइड बाय 1000 हो गया. अब इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं, 6 बाय 1000 केजी पर सेकेंड, ठीक है. अब m बाय डेल्टा t को सीधा यहां रख दिया जाए. यहां पे थोड़ा होशियारी की, इसका डेल्टा t m को पकड़ा दिया बस. और डेल्टा v क्या है? 11 से गई, माइनस 11 से वापस आई, तो 11 माइनस माइनस 11 कितना हो गया? F is equal to 6 by 1000 into 11 plus 11 22. तो ये कितना हो जाएगा? 132 divided by 1000, ये कितना हो जाएगा? F is equal to 0.132 न्यूटन. यही हमारा आंसर है.